आगामी 27 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिब्रूगढ़ की एक होटल में प्रेस मीट करके भाजपा आरोप पत्र पुस्तक जारी की। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल ने असम सरकार पर सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मछली, अंडे, सुपारी फल आदि सभी में सिंडिकेट चल रहा है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को झूठा बताया। नवभारत समाचार डिब्रूगढ़ असम से कैमरामैन मुन्ना कटवाल के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव। देखिए, छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी गए थे और उन्होंने 65 प्लस की बात की, माने 90 थी। तो मैंने पत्रकारों से यही कहा था कि वो जो कह रहे अमित शाह जी वो हमारे लिए है और उस समय 68 सीट हम लोग जीते और उपचुनाव करते 70 सीट। अभी अमित शाह जी यहाँ आके बोले हैं 100 प्लस। तो ये जो महागठबंधन है वो 100 प्लस सीट करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतते ही ये वादा भूल गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 जनवरी को सिलचर में की रैली में बड़ा झूठ बोल गए। उन्होंने कहा इन आदिवासियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर लिया गया है। बाढ़ और भू संरक्षण चरण की समस्या अपने वादे के मुताबिक इसने ही काम किया। यहाँ सिंडिकेट का राज चल रहा है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कोयला हो, मछली हो, अंडे हो, सुपारी हो, गिट्टी हो, इस सब के सिंडिकेट काम कर रहे हैं और यहाँ उनके सरकार के पूरे संरक्षण इसे प्राप्त है। गोवंश की तस्करी भी सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा है और उनके ही सांसद पूर्व मंत्री मेनका गांधी तक को इसमें शिकायत करनी पड़ी।